आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मसूर की दाल, पर मसूर की दाल थोड़ा अलग तरीके से, क्योंकि हम इसे बैंगन डालकर बनाएंगे। इसके लिए हमने लिए 250 ग्राम मसूर की दाल और 250 ग्राम बैंगन जिन्हें हमने काट लिया है, और ये है इसमें डालने के लिए जीरा, कड़ी पत्ता, आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वादानुसार, पिसा हुआ लहसुन थोड़ा सा, 1 चम्मच लगभग, और ये हरी मिर्ची कटी हुई है, 7-8 हरी मिर्ची हमने कटी हुई ली है, इसलिए हमने लाल मिर्ची कम डाली थी। आप अपने हिसाब से मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये है 1 गांठ मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई, और ये है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कटे हुए। अब प्रेशर कुकर को हमने गैस पर रख दिया है, गैस का फ्लेम ऑन कर लिया। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म होने के बाद हम इसे फ्राई करने के लिए डालेंगे करी पत्ता सबसे पहले, जीरा, जीरा होने के बाद हम इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज, और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज होने के बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन का पेस्ट, और लहसुन के बाद हम इसमें आप डाल देंगे मसाले, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक। तब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको भून लें। मसाले को 1 से 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें कटे हुए बैंगन डालकर मसालों को थोड़ा सा भूनेंगे। बैंगन के साथ 2-3 मिनट हमने इस मसाले को भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर, टमाटर को 2-3 मिनट भूनने के बाद हम डालेंगे इसमें कटी हुई हरी मिर्ची। तो अब इसमें हम हरी मिर्ची डाल देते हैं, और हम देख सकते हैं कि बैंगन भी घुल चुके हैं अपने, और ये देखने में इतनी अच्छी लग रही है, तो हम चाहे तो इसको निकाल कर इसको सब्जी के तरह, सब्जी के रोटी से खा सकते हैं। ये इतनी स्वादिष्ट लगती है क्योंकि ये बैंगन की सब्ज़ी ही तैयार हो गई है। और अब हम इसमें डालेंगे मसूर की दाल। हमने मसूर की दाल धो ली है, धोकर साफ़ कर लिए 3-4 पानी से धोने के बाद। हम इसको यहाँ पर प्रेशर कुकर में डाल देंगे दाल को, और 1 मिनट इसको चलाएंगे इस तरह से। दाल के डालने के बाद हमने 1 से 2 मिनट इसको भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हम यहाँ पर 1 जग यूज़ कर रहे हैं, लगभग 2 लीटर पानी हम इसमें डालेंगे। और आप अपने हिसाब से जैसा आप कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं पानी की, दाल की गाढ़ेपन की, उस हिसाब से आप इसको रख सकते हैं कम ज़्यादा। और इसमें जो है एक प्रेशर आने के बाद ही हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। मसूर की दाल जल्दी गल जाती है, और अगर आप ज़्यादा देर तक लगाएंगे तो फिर वो घुट जाएगी, फिर उसमें खाने में उतना टेस्ट नहीं आता है। अब हम प्रेशर को बंद कर देंगे, और एक प्रेशर जैसे ही आएगा इसमें वैसे ही गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हम देख सकते हैं कि इसमें एक प्रेशर आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम देख सकते हैं कि इसका प्रेशर रिलीज हो गया है। गैस का फ्लेम हमने आपको बता ही दिया था कि एक प्रेशर आते ही हमें बंद कर देना है, तो अब इसका प्रेशर भी रिलीज हो गया। अब हम कुकर को खोल कर देख लेते हैं। ये देखिए दाल को चेक कर लेते हैं आप चलाकर। ये देखिए दाल अच्छी तरह से हो चुकी है, और बिल्कुल अच्छी तरह से बन गई है, और ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है। इसको हम इसी तरीके से बनाते हैं, इसका टेक्सचर इसी तरह में अच्छा लगता है। तो अब हम इसको सर्विंग बाउल में सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये, चावलों से आप खाएं, रोटी से खाएं, जैसे भी आपको पसंद हो उस तरह से आप इसको खाएं, बहुत अच्छी लगती है। एक सब्ज़ी का भी टेस्ट इसमें ऐड हो जाता है, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये देखिए चटपट से हमारी दाल बनकर रेडी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। तो आप थोड़ा सा मसूर की दाल का थोड़ा सा टेस्ट चेंज करके देखना चाहते हैं, तो आपका एक और टेस्ट इसमें ऐड हो जाता है कि सब्ज़ी के भी इसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाएंगे और दाल का प्रोटीन भी आपको मिलेगा। तो आप इस तरह से एक बार दाल को ज़रूर बनाकर देखें, आपको बेहद पसंद आएगी। और तो हम इसमें थोड़ा सा धनिया डालकर इसको गार्निश कर रहे हैं, और इससे थोड़ा सा आपको टेस्ट और भी अच्छा लगेगा। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें, पसंद आने पर अपने एक्सपीरियंस को हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।